everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 8. Let's see, kya hai question? What is the acceleration of free fall? यहाँ पर free fall का acceleration हमें बताना है. तो सबसे पहले free fall का concept बिल्कुल revisit हो जाना चाहिए कि हमने free fall में क्या पढ़ा था. कोई भी body को ऊपर से अगर ऐसे छोड़ा जाएगा तो जितना भी वो नीचे आती रहती है उसकी वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि एक अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है और उस फोर्स से वेलोसिटी में चेंज आता है. तो बिल्कुल उसी के बारे में, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वही हमें बताना है. सो व्हेन अ बॉडी इज अंडर फ्री फॉल इट एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी. व्हाई? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. So, एक फोर्स को, एक वेलोसिटी चेंज को वो एक्सपीरियंस करती है बॉडी बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, दस प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है, यानी कि वहां से क्या उत्पन्न हुआ है, एक्सेलरेशन आया है. ठीक है? So, जैसे भी आप कहीं पे भी अगर पढ़ो कि आपकी वेलोसिटी में आपको चेंज दिख रहा है, रेस्ट से चेंज होके वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कुछ बढ़ गई है, कहीं पर भी चेंज अगर हमें दिखता है, That means acceleration का आना तो जाहिर है वहां पर. ठीक है? So acceleration due to gravity is denoted by g and is equal to 9.8 meter per second square. तो यहाँ पर हमने क्या है, हमारा जो acceleration due to gravity था, इससे पहले जब भी हम motion के बारे में पढ़ते थे या फिर हम जब तक force के बारे में भी पढ़ते थे, acceleration को हमेशा a से denote किया जाता था. लेकिन जब हमने gravitation के respect में अपने acceleration को सीखा है, so we are denoting it by g, और उसका value constant होता है, and that constant value is equals to 9.8 meter per second square. ठीक है? So हमें इसका unit नहीं भूलना है कि हम meter per second square की बात करते हैं whenever we are talking about acceleration. So for all objects on the surface of the earth. तो हमेशा अगर earth के surface पे है, तो हर जगह पे जो किसी भी body का acceleration due to gravity है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये वैल्यू चेंज हो जाती है व्हेनेवर वी चेंज द मीडियम. तभी मैंने इनमें लिखा है कि अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं. अगर हम अपना मून मीडियम रख लेते हैं या फिर स्पेस में चले जाते हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिकॉज उस मीडियम की ग्रेविटी चेंज हो रही है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. ठीक है? सो हमारे अर्थ सरफेस पे वी नीड टू रिमेम्बर कितनी होती है उसकी वैल्यू, 9.8 meter per second square. So this is about the acceleration due to gravity on Earth's surface and occurred by free fall of a body. Okay? So now moving on towards another question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.